टू डायनेस्टीज, सैयद ऐसे वाई ई डी भी लिखते हैं, सैयद डायनेस्टी। स्पेलिंग को लेकर के ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बहुत जगह सैयद का अलग अलग एस ए आई वाई वाई ए डी भी लिया रहेगा, एस ए वाई ई डी भी रहता है, हाँ डबल वाई ई डी भी रहता है, तो कंफ्यूजन वाली स्थिति रहती है, तो वो टेंशन नहीं लेना है। लोदी डायनेस्टी, टू डायनेस्टीज, दो डायनेस्टी है यहां पर। सैयद वंश, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, फाउंडर संस्थापक खिजर खां, संस्थापक खिजर खां, ये दूसरा खिजर खां है। पहला खिजर खां कहां था याद है किसी को, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था जो मुबारक खिलजी के नाम से जाना जाता है, हिज नेम वाज आल्सो खिजर खां। देवल देवी खिजर खां बुक जो लिखी गई है वो उन्हीं को ये है, डेडिकेटेड है, संस्थापक खिजर खां। हियर संस्थापक फाउंडर इज, यहां संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, यहां संस्थापक है बहलोल लोदी। ज्यादातर लोग बकलोल करके याद कर लेते हैं, बहलोल लोदी, ठीक है। तो आफ्टर खिजर खां इसमें सैयद वंश में कई रूलर हैं, लेकिन सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे सैयद वंश में खिजर खां के बाद मुबारक शाह है, मोहम्मद शाह है, अलाउद्दीन शाह है, तो ये कई नाम है, तो अलाउद्दीन आलम शाह है, तो इसमें एक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो है मुबारक शाह, ओनली वन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज कि खिजर खां वॉज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद टर्म याद रखिएगा, सैयद टर्म क्या है, सैयद जो होते हैं ना वो उच्च कुल के, बोला जाता है कि वो मोहम्मद साहब के कुल से संबंधित, वंश से संबंधित। सैयद अपने आप को जो हाई कैटेगरी का मुसलमान मानते हैं, हाँ सैयद हो गए, खान हो गए, पठान हो गए, ये सब जो है ना मतलब अपर कास्ट है मुसलमानों में, मुसलमानों में भी अपर कास्ट लोअर कास्ट है सभी जगह, क्रिश्चियन में भी, मतलब कि जनरली क्रिश्चियन में तो वैसा नहीं है कॉन्सेप्ट, क्रिश्चियन में कॉन्सेप्ट ये है कि जो कन्वर्टेड होते हैं तो जिस वो कास्ट से कन्वर्टेड होते हैं उसी कास्ट में वो काउंट होते हैं, तो इस तरह से हाँ जो ज्यादा जो ये रहता है समानता इक्वेलिटी वो देखिएगा तो क्रिश्चियन सोसाइटी में ही ज्यादा इक्वेलिटी है कंपेरेटिवली। तो सल्तनत काल का पतन जो हुआ तो उस क्रम में सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां, तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा तुगलकों के बाद आफ्टर तुगलक, तुगलकों के बाद आफ्टर तुगलक देयर वाज अ गैप, देयर वाज अ गैप, तुगलकों के बाद एक गैप है लिख सकते हैं या एक अंतराल है, दो वर्षों का अंतराल है जिसमें कोई एक शक्तिशाली शासक नहीं है, कोई एक वंश नहीं है। तो तुगलकों के बाद एक गैप है, एक अंतराल है जिसमें इन विच देयर इज नो एनी पावरफुल डायनेस्टी, जिसमें कोई शक्तिशाली वंश नहीं है। जब कोई शक्तिशाली वंश नहीं है तो खिजर खां आता है और इसने सैयद वंश की स्थापना कर दी, कब, 1414 में, 1414 में, तो लिखेगा इन 1414, 1414 ईस्वी में, 1414 ईस्वी में खिजर खां ने, इन 1414 खिजर खां एस्टेब्लिश्ड सैयद डायनेस्टी, खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की, खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की जिसमें प्रमुख शासक हैं इन विच इंपॉर्टेंट रूलर्स आर, जिसमें प्रमुख शासक हैं इन विच इंपॉर्टेंट रूलर्स आर
आर, तो जिसमें इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जिसमें प्रमुख शासक हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जिसमें महत्वपूर्ण शासक है, नंबर एक लिखेगा खिजर खां, खिजर खां। नंबर दो लिखेगा, नंबर एक खिजर खां, नंबर दो मुबारक शाह, मुबारक शाह। नंबर तीन मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। नंबर चार अलाउद्दीन आलम शाह, या डायरेक्ट आलम शाह ही लिखिए, आलम शाह। प्रमुख है, बीच बीच में और भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, तो ये प्रमुख शासक है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह। तो एक चीज याद रखेंगे, अभी से पहले तक क्या हुआ था, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, कयूमर्स। कयूमर्स की हत्या करके बोला जाता है जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है, मुबारक शाह, जिसको मारकर खुसरो शाह बना, खुसरो शाह को मार करके ग्यासुद्दीन तुगलक बना। तुगलक के बाद तुगलक वंश का नासिरुद्दीन तुगलक है, उसकी भी हत्या कर दी गई थी, जैसे कि तैमूरलंग ने आक्रमण किया था। कहने का अर्थ है कि अभी तक ऐसा हो रहा है, जो अंतिम शासक है उसकी हत्या करके अगला शासक बन रहा है। ये चालाक निकला आलम शाह। आलम शाह ने देखा कि मजबूत हो रही स्थिति बहलोल लोधी की, तो देखा कि हो सकता है मार करके फिर से ये भी शासन प्राप्त कर लेगा, तो अपने से दे दिया शासन तुम लोग। कहने का अर्थ है आलम शाह ने बहलोल लोधी को शासन दे दिया, तब बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। तो मतलब बकलोल नहीं था, शक्तिशाली था, तो लोधी वंश की स्थापना की बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। आफ्टर बहलोल लोधी सिकंदर लोधी वॉज अ ग्रेट रूलर, लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ सल्तनत पीरियड, सल्तनत काल का अंतिम महान शासक सब, हाँ सिकंदर लोधी। ऐसे सबसे महान शासक में जनरली अलाउद्दीन खिलजी की चर्चा होती है, उत्तर भारत दक्षिण भारत सबको रौंद दिया। अब एक व्यक्ति उससे भी महान हो जाता अगर उसकी प्रयोग सफल होते, मोहम्मद बिन तुगलक, प्रजा को उससे, उसको प्रजा से मुक्ति मिल गई थी उसके मरने के बाद। तो यहां देखेंगे सिकंदर लोधी एक काम के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा, आगरा टाउनशिप वाज एस्टेब्लिश्ड, आगरा शहर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा 1504 ईस्वी में। डेट भी पूछता है, डेट ने ईस्वी पूछता है, 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था, और 1504 ईस्वी में बाबर काबुल को जीता था। और बाबर मतलब बहुत विषम परिस्थिति से काबुल को जीता था, तो काबुल जीतना उसके लिए बहुत सौभाग्य वाला था, सौभाग्य वाली बात थी, मतलब गुड लक के रूप में देखा था काबुल को। और यही कारण है, पता है जब भारत में उसकी डेथ होती है तो उसका लास्ट विश यही रहता है कि उसको काबुल में दफनाया जाए। जब बाबर मरा था ना, तो टेम्पोररी यहीं दफना दिया गया था, फिर परमानेंट वहां शिफ्ट कर दिया गया था उसके कब्र को, ठीक है। तो वो सब चीजें भी दिमाग में रखना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सल्तनत काल, सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये तीनों हम लोगों ने पढ़ लिया है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश पढ़ लिया है, आज सैयद वंश और लोधी वंश पढ़ रहे हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां है, सबसे इंपॉर्टेंट है मुबारक शाह। मुबारक शाह के दरबार में एक था लेखक याहिया बिन सरहिंदी, याहिया बिन सरहिंदी एक लेखक है, ही वॉज द राइटर याहिया बिन सरहिंदी इन द कोर्ट ऑफ मुबारक शाह, हु रोट अ बुक तारीख मुबारक शाही, जिसने पुस्तक लिखी थी तारीख मुबारक शाही। तो लिखिएगा, एक पॉइंट लिख दीजिएगा,
लिखिया सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के दरबार में इन द कोर्ट ऑफ मुबारक शाह द सैयद रूलर इन द कोर्ट ऑफ मुबारक शाह द सैयद रूलर सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के दरबार में याहिया बिन सरहिंदी वाजा राइटर याहिया बिन सरहिंदी एक लेखक था सरहिंदी वाज अ राइटर हु रोट द बुक तारीख मुबारक शाही जिसने तारीख ए मुबारक शाही पुस्तक की रचना की तारीख मुबारक शाही पुस्तक की रचना की तारीख मुबारक शाही पुस्तक की रचना की क्लियर। मैंने बताया था सैयद वंश से रिलेटेड चार पांच पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला है कि सैयद वंश का काल क्या है, सैयद वंश का काल क्या है, टाइम पीरियड क्या है सैयद वंश का, 1414 से 1451। तो एक पॉइंट लीजिए ना, सैयद वंश का काल 1414 से 1451 है। द टाइम पीरियड ऑफ सैयद डायनेस्टी इज 1440 टू 1451 सैयद वंश का काल। सैयद वंश का काल 1414 से 1451 है, ठीक है। आ ये जो खिज्र खां था ना, देखिए पहला पॉइंट आ गया कि सैयद वंश का काल क्या है 1414 से 1451। दूसरा एक सैयद वंश का संस्थापक कौन है, खिज्र खां। खिज्र खां ने भी सुल्तान की पदवी नहीं ली थी। खिज्र खां कॉल्ड हिमसेल्फ रैयत ए आला, रैयत मतलब किसान होता है, तो मतलब ये अपने आप को किसानों का प्रमुख कहता था, रैयत ए आला। लिख दीजिएगा एक पॉइंट, खिज्र खां कॉल्ड हिमसेल्फ रैयत ए आला। खिज्र खां ने खुद को रैयत ए आला कहा, कॉल्ड हिमसेल्फ रैयत ए आला, ठीक है। मैंने बताया कि पांच छह पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है सैयद वंश से संबंधित। अ सैयद टर्म इंडिकेट्स टू हायर क्लास ऑफ मुसलमान, तो मुसलमान के उच्च वर्ग को सैयद वर्ग डिनोट करता है, ठीक है। सैयद वो बारहा के सैयद भी इनको बोला जाता है, हाँ बारहा के सैयद भी बोला जाता है। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक मुबारक शाह है, जिसके दरबार में याहिया बिन सरहिंदी थी, जिसने पुस्तक लिखा तारीख मुबारक शाही, जैसे मोहतन मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है तबकाते नासिरी, ठीक है। और अमीर खुसरो की कई पुस्तकें आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो किसके दरबार में आया था, बलबन। किसके दरबार तक रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको संरक्षण नहीं दिया था, उस समय काफी बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन ग्यासुद्दीन तुगलक तक उसको संरक्षण मिला था, प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स रूलर्स एंड सीन द टाइम पीरियड ऑफ नाइन रूलर्स, नौ शासकों का काल देखा, छह ने उसको संरक्षण दिया। कुछ लोग छह मानते, कुछ लोग सात मानते, ऑप्शन में कोई एक रहेगा, कभी दोनों नहीं रहेगा। तो उसकी कई पुस्तकें हैं जिसमें कि हम लोगों ने देखा था देवल देवी खिज्र खां, तुगलक नामा, खजाइनुल फुतू, नूर सिपहर, लैला मजनू, और एक और पुस्तक था, एक और पुस्तक खजाइनुल फुतू, हाँ एक और पुस्तक की चर्चा बीच में हुई थी, क्या तुगलक नामा तो है ही, तुगलक नामा सबसे फेमस है, तुगलक नामा उसी ने लिखा था, खजाइनुल फुतू उसी ने लिखा था, नूर सिपहर लिखा था, ठीक है, बीच में आ जाएगा आशिका लिखा था, आशिका भी लिखा था। तो ढेर सारी पुस्तकें भी हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो को तूती हिंद भी बोलते हैं, हिंद का तोता, हिंदुस्तान का तोता, तूती हिंद भी बोला जाता है अमीर खुसरो को, क्लियर। अब लिखिएगा आलम शाह ने
शासन स्वयं त्याग दिया, आलम शाह लेफ्ट हिज रूल हिमसेल्फ, ठीक है, तो छोड़ दिया, खुद ही छोड़ दिया शासन को। बहलोल लोदी बिकेम द रूलर, बहलोल लोदी शासक बना जिसने लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी बिकेम द किंग, बिकेम द रूलर हु एस्टेब्लिश्ड लोदी डायनेस्टी, जिसने लोदी वंश की स्थापना की। क्लियर? अच्छा, अप्रैल है ना, 30 अप्रैल को भी कोई डेट सेलिब्रेट किया जाता है क्या? 30 अप्रैल, 30 अप्रैल कोई डे है हम लोगों ने? हाँ, 22 अप्रैल छोड़ दिया था ना, 22 अप्रैल को कौन सा डेट? पृथ्वी दिवस था। हाँ, पर्यावरण पर एक चर्चा हो सकती थी, अच्छी चर्चा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर्यावरण पर, लगभग 50 क्वेश्चंस मेरे पास हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। हाँ, कुछ कुछ उसमें कुछ होता रहेगा, अब तो है कि थोड़ा थोड़ी समस्या हो गई थी बाइलिंगुअल के कारण, तो उसको हम लोग ठीक करेंगे। और दूसरी बात है कि जो चैप्टर आप पढ़ते हैं ना, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी बुक, चाहे वो लूसेंट का हो, चाहे वो केबीसी का हो, चाहे वो क्राउन का हो, या फिर अरिहंत का हो, जो चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जा करके जरूर बनाइए, बनाइएगा तो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कोई भी क्लास करते हैं ना, तो उस क्लास से रिलेटेड जा करके घर में ऑब्जेक्टिव बनाइए, और नहीं बनता तो फिर आकर हम लोग जितने भी जो भी टीचर क्लास लेते हैं तो उनसे पूछिए। हाँ, क्लास में डिस्टर्ब मत कीजिए, क्लास के बाहर पूछिए, ठीक है। तो वो जब तक वो आपके अंदर नहीं आएगी, पूछने की प्रवृत्ति नहीं आएगी, तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। क्लास में बहस करना बेवकूफ लोग करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। सिलेक्शन केवल ज्ञान से नहीं होता है, बहुत सारा चीज चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद भी चाहिए, वेलविश भी चाहिए, ठीक है। चलिए, बहलोल लोदी, अब है कि लोदी वंश के अंतर्गत, तो लिखेगा लोदी वंश के अंतर्गत तीन प्रमुख शासक हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट रूलर्स इन लोदी डायनेस्टी। तो लोदी डायनेस्टी में तीन प्रमुख शासक हैं, पहला है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, लोदी और एक बेवकूफ है इब्राहिम लोदी। इतनी बड़ी सेना मिली फिर भी उसको संभाल नहीं पाया, पता इसके पास 1,00,000 की सेना थी और मात्र 10,000 की सेना थी बाबर के पास, इसको हरा दिया। उसके पास तोप भी था और उसके पास मेथड था, लड़ने का मेथड, तुलगुमा पद्धति, तोप को सजन, कितना भी मान ले रहे हैं कि 10-20 तोप होगा, उससे ज्यादा तोप थोड़े होगा। अब उतने तोप में 1,00,000 की सेना को हरा देगा, अरे 10,000 मरेंगे जाकर तोप नष्ट कर दिया जाएगा। तो वो सैन्य कुशलता होनी चाहिए, इसमें नहीं थी, बाबर में थी। अब सोचिए कि तोप था तो ये 1,00,000 की सेना को हरा दिया, लेकिन छोटी सी सेना राणा सांगा की थी, जिसको हराने में बाबर की स्थिति खराब हो गई थी। मतलब वो बोला जाता है कि मुट्ठी भर राजपूतों को हराने के लिए उसे धर्म का सहारा लेना पड़ा। राजपूत बहुत वीरता से लड़े थे, इनके इब्राहिम लोदी के सेना की तरह नहीं कि भाग रहे थे,
तो वो काफी वीरता से लड़े, और एक ऐसा समय हुआ जब बाबर को खुद को गाजी घोषित करना पड़ा। गाजी मतलब होता है धर्म योद्धा, और उस युद्ध को जिहाद का नाम दे दिया कि ये युद्ध नहीं है, जिहाद है। जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध, मतलब इस्लाम खतरे में है, वो उस स्थिति में जिहाद किया जाता है, धर्म को बचाने का कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरह का घोषणा, जबकि धार्मिक उस तरह के बाबर धार्मिक उस तरह का नहीं था। बाबर अगर कट्टर धार्मिक कट्टर मुसलमान रहता तो कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य का जो शासक है कृष्णदेव राय उसकी प्रशंसा नहीं करता। उसने अपनी आत्मकथा में एक हिंदू शासक कृष्णदेव राय की प्रशंसा की है और बताया कि बहुत योग्य था। क्यों? क्योंकि वो आया नहीं इसे लड़ने के लिए, क्या वो आ जाता तो ये हार जाता। कृष्णदेव राय को उत्तर से कोई मतलब नहीं था, वो दक्षिण में खुश था। अभी भी देखिएगा दक्षिण वाले उत्तर वाले से दूर ही रहना पसंद करते, ठीक है। यही कारण है ना कि हम लोग यूनाइट इंडिया नहीं बन पाए। जिस दिन यूनाइट इंडिया बन पाएंगे किसी की हिम्मत नहीं होगी इंडिया की तरफ आंख दिखाने की। हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, ये कंडीशन है। चलिए, तो सिकंदर लोधी में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये लोधी वंश का काल कब से कब है? 51 से 1526, जिसमें 1451 से 88 तक है बहलोल लोधी। देखिए 1451 से 88 तक बहलोल लोधी, और 1418 से 1517 तक है सिकंदर लोधी, और 1517 से 1526 तक है। ईसवी सन हो सकता है कि एक आध साल आगे पीछे हो जाए, अप्रोक्सीमेट ही मुझे याद रहता है, और कभी उससे टेंशन नहीं हुआ है, कभी दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए ईसवी सन को लेकर के मैं बोलता हूं बहुत परेशान नहीं होना है। बहलोल लोधी, अब वो रैयत आला कहता था ना खुद को खिजर खां, तो यह भी बहलोल लोधी। अच्छा, बहलोल लोधी के संदर्भ में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये याद रखिएगा, कुल कितने वंश हैं सल्तनत काल में? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इसमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद तुर्क थे और लोधी अफगान थे। तो इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, लिखिएगा, बहलोल लोधी अफगान था, बहलोल लोधी वाजा अफगान, बहलोल लोधी अफगान था, अफगानिस्तान मूल का अफगान था, अफगान था, अफगानिस्तान मूल का था। मुसलमानों की बहुत सारी कैटेगरी है, जब तुर्क वाले इस्लाम को स्वीकार किए तो तुर्की कहलाए, जब अफगानिस्तान वाले स्वीकार किए तो अफगान कहलाए, ईरान वाले स्वीकार किए तो ईरानी कहलाए, और वैसे हिंदुस्तान वाले स्वीकार किए तो हिंदुस्तानी कहलाए। तो मुसलमानों का अलग अलग वर्ग हो गया था। आप देखेंगे मुगल काल का जब पतन होता है तो दरबार में बहुत सारे वर्ग हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान, ईरानी मुसलमान, तुर्की मुसलमान, अफगानी मुसलमान, और सबका अपना अपना गुट चल रहा है। उसी में ईरानी तुरानी जो था वो निजामुल मुल्क, उसकी चर्चा आएगी मॉडर्न इंडिया में, जब मुगल काल का पतन होगा तो मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहलोल लोधी वाजा अफगान, बहलोल लोधी अफगान था। अफगानों की एक शाखा, अ ब्रांच ऑफ अफगान, अफगानों की एक शाखा साहू खेल से संबंधित था। साहू खेल, तो यही वाज रिलेटेड टू अ ब्रांच ऑफ अफगान, साहू खेल, साहू खेल से संबंधित था। ठीक हुआ? ठीक है, तो ये हो गया अफगानों की एक शाखा साहू खेल से संबंधित था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी इसने एक बहलोली सिक्का चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा
बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी डिफीटेड, बहलोल लोदी ने जौनपुर के लिखे, बहलोल लोदी ने जौनपुर के, जौनपुर का के हुसैन शाह सरकी को पराजित किया, हुसैन शाह सरकी को पराजित किया, डिफीटेड द डिफीटेड हुसैन शाह सरकी द रूलर ऑफ जौनपुर, जौनपुर यूपी में है जौनपुर, और जौनपुर को मिला लिया किस में, दिल्ली में मिला लिया, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। हाँ हाँ वो भी है कि उसने बहलोली सिक्का चलाया, ही इशूड बहलोली कॉइन, बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का चलाया, बहलोली सिक्का चलाया। बहलोली सिक्का चला, ठीक है, किसने चला है, बहलोल लोदी ने, तांबे का था, तांबे का था, जो तांबे का था, तांबा का, क्लियर। और एक दो पॉइंट लिख दीजिएगा, एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने, द रूलर ऑफ ग्वालियर मानसिंह तोमर गेव 80,000 टंका इन गिफ्ट हिम, ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने, मानसिंह तोमर ने उसे 80,00,000 टंका, एक मिनट, 80,00,000 टंका उपहार में दिया, बहलोल लोदी को गिव 80,00,000 टंका इन गिफ्ट, इन गिफ्ट, हाँ बहलोल लोदी 80,00,000 टंका उपहार में दिया। देख रहे हैं इसका शासनकाल भी लंबा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है, यानी कि यह शक्तिशाली था। पहली बात तो यह याद रखिएगा कि इस टाइम में 1451 में स्थिति जो है बहुत मजबूत नहीं है, पतन हो रहा है। एक अगर देखा जाए ना, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगर कोई पावरफुल हुआ तो वो सिकंदर लोदी ही रहा, और सिकंदर लोदी को बेस जो बना के दिया था वो बहलोल लोदी ने दिया। बहलोल लोदी भी खुद बैठता नहीं था गद्दी पर, जितने प्रमुख सेनापति थे उनके साथ अपनी कुर्सी लगाता था, मतलब कि कहने का अर्थ है कि अपने आप को कभी सुल्तान के तरह जो है सो, जैसे बलवन क्या था, बलवन खुद को सुल्तान दिखाता था कि वो चलता था तो उसके चारों रंग रक्षक चलते थे, तो वैसे शो नहीं करता था, ये सुल्तान था लेकिन शो नहीं करता था सुल्तान की तरह, सुल्तान की तरह शो करना शुरू किया, राजगद्दी पर बैठना शुरू किया था सिकंदर लोदी। तो सबके सहयोग से शासन किया, खिजर खान ने, बहलोल लोदी ने, पहला शासक जो भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, जलालुद्दीन खिलजी हो गया, ग्यासुद्दीन तुगलक हो गया, खिजर खां हो गया, बहलोल लोदी हो गया, इस सबका सहयोग ले ले करके अपनी स्थिति को मजबूत किया, तब एक मजबूत वंश स्थापित हुआ। क्योंकि उसके बाद का जो शासक है वो ज्यादा शक्तिशाली हुआ, इल्तुतमिश बलबन अधिक शक्तिशाली था, अलाउद्दीन अधिक शक्तिशाली था, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक अधिक शक्तिशाली था, वैसे ही सिकंदर तुगलक, सिकंदर लोदी अधिक शक्तिशाली, वहां मुबारक शाह अधिक शक्तिशाली, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाइए, बाकी फैक्ट तो रटा जाएगा। चलिए तो अब लिखिएगा, लिखिएगा बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बना, आफ्टर बहलोल लोदी सिकंदर लोदी बिकेम द सुल्तान। सिकंदर लोदी, अब सिकंदर लोदी के बारे में देखेंगे, सिकंदर लोदी, इससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है, ऐसे अगर हम लोग करें, इसका मूल नाम था निजाम शाह, मूल नाम क्या था, निजाम शाह,
दूसरी बात सिकंदर लोदी से रिलेटेड आता है, तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की, आगरा नगर की स्थापना की। फिर सिकंदर लोदी विद्वान शासक है, तो इसने कुछ पुस्तकें भी लिखी है। पुस्तकें लिखी। इसके बाद इसने क्या किया, यह कविता भी लिखता था, यह कविता लिखता था, गुलरुखी नाम से कविता भी लिखता था, गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। इसने माप का पैमाना दिया, और गुलरुखी नाम से कविता लिखा, नाम से कविता लेखन। तो पोएम राइटिंग एज द नेम ऑफ गुलरुखी। तो ये जो पांच पॉइंट है, मतलब कि पांच को दिमाग बैठाइए, हालांकि और भी इसमें करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये पांच ही है, ये पांच आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये पांच को रट जाइए। सिकंदर लोधी रिलेटेड, तो सिकंदर लोधी देयर आर फाइव पॉइंट्स, पांच पॉइंट्स हैं। सिकंदर लोधी निजाम शाह, इसका क्या है मूल नाम, मूल नाम। आगरा नगर की स्थापना कब किया, 1504 ईस्वी में। पुस्तकें इसने लिखी, लज्जत ए सिकंदर शाही, लज्जत ए सिकंदरी या सिकंदर शाही, कहीं कहीं सिकंदरी भी दिया रहता, फरहंगे सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, सिकंदर शाही भी दिया रहता, सिकंदरी, अब फरहंगे सिकंदरी, फरहंग ए सिकंदरी। देखिए लज्जत ए सिकंदरी जो है ना, ये म्यूजिक पर बुक है, बुक ऑन म्यूजिक, ये संगीत ग्रंथ, और फरहंगे सिकंदरी जो है आयुर्वेद ग्रंथ। और उसके बाद याद रखेंगे माप का पैमाना, गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी चलाया, गजे सिकंदरी 30 इंच का होता था, 30 इंच का एक गज होता था, गजे सिकंदरी। क्या स्केल ऑफ मेजरमेंट, स्केल ऑफ मेजरमेंट, पोएम, हाँ, मतलब कि ये पोएम राइटर था, पोएम राइटिंग एज द नेम ऑफ गुलरुखी, गुलरुखी नाम से कविता लेखन लिखता था, कविताएं जो लिखता था वो गुलरुखी नाम से लिखता था, कोई पोएम का नाम नहीं है। ये भी जो है सो हिंदू विरोधी कुछ काम किया था, तथा इस्लाम में भी जो है सो सुधार का प्रयास किया, ये खुद को सच्चा मुसलमान सिद्ध करने के लिए इस्लाम में कुछ सुधार किया। मुहर्रम में तजिया जो निकलता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया, और जो मस्जिद वगैरह है उसको शिक्षा संस्थान के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया। तो इसने इस्लाम के अंतर्गत भी सुधार किए, और जो गैर हिंदू मतलब हिंदू विरोधी कार्य भी किए, he did some work against हिंदू रिलीजन, तो इसने हिंदू धर्म के विरुद्ध कुछ कार्य किए, तथा इस्लाम में सुधार का भी प्रयास किया, एंड ट्राइड टू रिफॉर्म, ट्राइड टू
रिफॉर्म इन ट्राई टू डू रिफॉर्म इन इस्लाम, ठीक है। ताजिया जो होता है ना, ताजिया जानते हैं, गांव सब में, हाँ लिखेगा, इसने इस्लाम के, इसने हिंदू विरोधी कुछ कार्य किए, ही डिड सम वर्क अगेंस्ट हिंदू रिलीजन, इसने हिंदू धर्म के विरुद्ध कुछ कार्य किए। अब मैक्सिमम देखिए क्वेश्चन इतने से आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये 5-6 पॉइंट आपके दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। लेकिन ये याद रखना कि इसका मूल नाम निजाम शाह था, इसने सुकंदर लोधी की उपाधि लेकर के शासन किया। इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की, इसी आगरा नगर में अकबर ने आगरा के किला का निर्माण करवाया, लेकिन आगरा शहर का फाउंडेशन इसी के द्वारा किया गया। इसने पुस्तकें, विद्वान शासक था, इसने पुस्तकें लिखी, ही रोट बुक्स लज्जत ए सिकंदरी, फरंगे सिकंदरी, लज्जत ए सिकंदरी वॉज अ बुक ऑन म्यूजिक एंड फरंगे सिकंदरी इज अ बुक ऑफ आयुर्वेदा। ही प्रेजेंटेड अ स्केल ऑफ मेजरमेंट दैट इज कॉल्ड गज ए सिकंदरी, इसने एक माप का पैमाना दिया जिसको गज ए सिकंदरी कहते हैं, यह 30 इंच का था, और इसको सिकंदर लोदी को, गज ए सिकंदरी को अकबर ने भी अपनाया था, इट वॉज एक्सेप्टेड बाय अकबर ऑल्सो। अकबर ने कुछ चीजें सिकंदर लोदी की अपनाई, कुछ चीजें उसने शेरशाह की अपनाई, और तब जाकर के मतलब अच्छी अच्छी चीजें, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है, कई बार लोग इसको उधार का संविधान कहते हैं, लेकिन उधार का संविधान कहना गलत होगा, क्योंकि अगर किसी संविधान में अच्छी चीजें हैं उसको हमने ले आया, हमने अपनी चीजें भी तो पंचायती राज दिया है, तो हमारी अपनी चीजें भी, अपनी मौलिकता भी है, और बाकी देशों के संविधान का अच्छा तत्व है, सबको मिलाकर एक नया संविधान बनाया, तो कुछ उसी तरह का अकबर का भी कॉन्सेप्ट था कि अकबर ने, और यही कारण है कि अकबर का शासनकाल देखिए लंबा चलता है, 1556 से 1605 तक, क्लियर। सिकंदर लोदी लिखेगा, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी शासक बना, आफ्टर द डेथ ऑफ सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी शासक बना, जिसे हटाकर, जिसकी हत्या करके मुगल काल की स्थापना हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ सिकंदर लोदी इब्राहिम लोदी बिकेम सुल्तान, आफ्टर द डेथ ऑफ सिकंदर लोदी इब्राहिम लोदी बिकेम सुल्तान, सुल्तान बना कौन, इब्राहिम लोदी। आफ्टर किलिंग हिम मुगल रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड, जिसकी हत्या करके मुगल वंश की स्थापना की गई, मुगल वंश की, उसको हराया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी पहले देख लेते हैं कि फिर इब्राहिम लोदी से रिलेटेड कौन कौन सा पॉइंट है। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 में जैसे शासक बना ना, इसी समय घटोली के युद्ध में, या उसी को बोलते खतोली के युद्ध में, कहीं कहीं खतोली दिया रहता, कहीं कहीं घटोली दिया रहता, खतोली या घटोली का युद्ध कब हुआ था, 1517 में इब्राहिम लोदी खतौली के युद्ध में या घटौली के युद्ध में इसको पराजित किया था, किसने, राणा सांगा ने। हालांकि राणा सांगा, और इसके बाद याद रखेगा, भतीजा और भांजा,
का विद्रोह, इसका भतीजा और भांजा दोनों विद्रोह कर दिया था, दोनों मिल गया था, ये लोग सब मिल करके राणा सांगा, इसका भतीजा, इसका भांजा, सबने मिल करके इनविटेशन दिया था किसको? बाबर को। इब्राहिम लोदी के का भतीजा और भांजा ये विद्रोह किया, तो ये राणा सांगा के साथ मिल करके सब लोगों ने मिल करके बाबर को इनविटेशन दिया, आइए यहाँ खूब पैसा मिलेगा। ये लोग सोचा क्या आएगा, लूट के चला जाएगा, जब बचेगा तो हम लोग शासन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा, इसके बाद पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। ठीक है, खटौली या घटौली का युद्ध में राणा सांगा डिफीटेड द मिलिट्री ऑफ, वो लिखा दूंगा, पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर को निमंत्रण, आक्रमण का निमंत्रण, निमंत्रण। यहां क्या हो गया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, क्लियर? तो हियर बैटल ऑफ खटौली और घटौली इन 1517 राणा सांगा ने इब्राहिम की सेना को हराया। राणा सांगा डिफीटेड द मिलिट्री ऑफ इब्राहिम। एक आलम शाह है, एक अकत खां है, दो है, दौलत खां लोदी। अच्छा, आलम खां इसके चाचा है, चाचा आलम खां, दौलत खां लोदी भतीजा, और तो ये लोग मिल करके क्या किया, विद्रोह किया। तो आलम खां, दौलत खां लोदी और राणा सांगा इन सब ने मिल करके बाबर को इनविटेशन दिया, तो रिवोल्ट ऑफ नेफियो, तो भतीजा और भांजा का विद्रोह। इसमें लिखेगा विथ राणा सांगा दे इनवाइटेड बाबर टू अटैक ऑन इंडिया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, क्लियर? हो गया। तो इतनी ही कहानी है, इसके बाद मुगल काल शुरू होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे, तो इतना आपको दिमाग में रखना है। नहीं, मुगल काल नहीं, मुगल काल से पहले विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, दो हम लोगों को पढ़ना है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। तो सैयद लोदी में इतने ही पॉइंट्स हैं, और इब्राहिम लोदी के साथ साथ, इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का सबसे बड़ा पुत्र था, आगरा में गद्दी पर बैठा। इसका छोटा भाई जलाल खान को जौनपुर का शासक बनाया गया, इसने जलाल खान की हत्या कर दी और उसके बाद पूरा शासन खुद ले लिया, और दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम अफगान शासक इसको कहा जाता, दिल्ली सल्तनत का। अच्छा, क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि अगर अंतिम अफगान शासक पूछता है, अंतिम अफगान शासक, तो अंतिम अफगान दो बात, एक द्वितीय अफगान भी आएगा शेरशाह के समय में, और इसके समय में, तो अंतिम अफगान शासक कौन हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम अफगान शासक इब्राहिम लोदी था, दिल्ली सल्तनत का। एक दिल्ली सल्तनत का अफगान है और एक अंतिम अफगान है, दोनों में फर्क है, ये याद रखेंगे। दूसरा अफगान बोला जाता है शेरशाह को, शेरशाह दूसरा अफगान है,
पांच थे ना, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, ये चारों जो थे तुर्क थे और लोदी अफगान थे। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। क्लियर? रहने दीजिए इतना।